वेलकम बैक नाजन। और अब सेगमेंट्स शामिल करेंगे और सेगमेंट्स में सबसे पहले मोबाइल रेट्स की बात होगी। क्यों मोबाइल्स के कुछ मॉडल्स हैं आपको बताते चलें कि मार्केट में कौन सा मॉडल किस प्राइस पर अवेलेबल है। सबसे पहले है नॉर A1 जिसमें रैम है 3GB, मेमोरी है 32GB बिल्ट इन, कीमत है 17,500। क्यू मोबाइल नॉर Z8 2GB रैम के साथ 16GB बिल्ट इन मेमोरी, कीमत है 17,990। क्यू मोबाइल i8i Pro 1.2 GHz क्वाड कोर, प्राइस है 9,100 और 16GB बिल्ट इन मेमोरी। क्यू मोबाइल Duel 1 500 में 8GB क्लब पर आपको अप टू 50% तक ऑफ मिलेगा। और ऑनलाइन स्टोर है तर्ज जिस पर आपको अप टू 50% तक ऑफ मिलेगा। हाइपरस्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपरस्टार में ऑडियोनिक स्पीकर्स हैं रीबॉर्न RB95, रिटेल प्राइस है 11,999, प्रमोशनल प्राइस है 10,249, आप 1750 रुपीज बचा सकते हैं। और नेस्ले नीडो 40 ग्रो है, रिटेल 800, प्रमोशनल प्राइस 735, आप 65 रुपीज बचा सकते हैं। इस कीमत पे आप फल और सब्जियां फरोख की जा रही है, जिसपे जो खरीदार हैं उनका मिला जुला जो रुझान है वो सामने आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया शाहरुख नदीम, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इसी के साथ नाजन आपको बताएं जेनिथ शॉप पर अगर आप जा रहे हैं तो वहां से बीफ जो है वो आपको मिलेगा 520 रुपए किलो में और बीफ कीमा जो है वो आपको मिलेगा 690 रुपए। मटन आपको मिलेगा 1288 में और मटन कीमा है 1860 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 98 रुपए किलो और उसका बना हुआ गोश्त है 142 रुपए। अंडों की बात की जाए तो रिटेल पर अंडे हैं 87 रुपए दर्जन, होलसेल पर 85 रुपए और गोरमे पर अंडे अवेलेबल हैं 86 रुपए दर्जन। और अभी आपको बताएं अगर आपको मेरी वार्डरोब पसंद आ रही है तो आप सलीम फैब्रिक्स लिबर्टी मार्केट जा सकते हैं जिसका ब्रांड है रवायात, जिसके तहत ये तमाम डिजाइन जो हैं वो वहां पर अवेलेबल हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर 20% ऑफ भी लगा है। वहां आप पैसे भी बचा सकते हैं और खूब ढेर सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसमें हम मूवीज की बात करेंगे बिग स्क्रीन। और एक मूवी जो सिनेमा घरों की जीनत बनी है और लोगों को पसंद भी देखते हैं। जी मान के हाल में सबसे पहले अमेरिकन डॉलर है कीमत 44 कीमत फरोख्त 148.50। सऊदी रियाल कीमत खरीद 33.70, कीमत फरोख्त 34.45। दिरहम कीमत खरीद 33.75, कीमत फरोख्त 34.30।
कुवैती दिनार कीमतें खरीद 406, कीमतें फरोख 410। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमतें खरीद 88.50, कीमतें फरोख 94। जापानी येन कीमतें खरीद 1.09, कीमतें फरोख 1.15। स्विस फ्रैंक कीमतें खरीद 127.10, कीमतें फरोख 128.90। ओमानी रियाल कीमतें खरीद 320, कीमतें फरोख 324.50। और सबसे आखिर में कैनेडियन डॉलर कीमतें खरीद 94, कीमतें फरोख 99। और इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ फैशन क्रिटिक फैसल जावेद मौजूद हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे रोब्स और जो गाउन्स आजकल बहुत ज़्यादा इन है फैशन में, उनको किस तरह से आप कैरी कर सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं, क्या क्या डिज़ाइन उसमें अवेलेबल हैं और आपको क्या क्या सूट कर सकता है आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के मुताबिक, उस पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम फैसल, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक फैसल। हमारे फ्रंट ओपन जो गाउन आजकल बहुत चल रहे हैं, वो विद बेल्ट है, विदाउट बेल्ट है, वो टाइज के साथ है या वो बिल्कुल हुक्स के साथ है, ये आजकल फैशन में बहुत ज्यादा इन है, लेकिन ये कोई नया फैशन नहीं है। यस, नया फैशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन बेसिकली एक रिप्लेसमेंट का रोल जो है ये प्ले करना शुरू हो गया है। अमूमन हमारे यहाँ पहले कॉन्सेप्ट था थ्री पीस सूट्स का, खवातीन हमेशा शलवार कमीज दुपट्टा एक पैकेज कंसिडर किया जाता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता दुपट्टा इम्प्रैक्टिकल होना शुरू हो गया, लेकिन ऑफ कोर्स सोशली एंड कल्चरली वुमेन स्टिल फील के कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए एडिशनल टू कवर अप ऑन योर शर्ट। सो वहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट था रोब्स का, ये काफ़ी इन होना शुरू हो गया। जनरली सर्दियों में अक्सर आपने देखा होगा खवातीन श्रग्स पहन लेती हैं, फ्रंट ओपन स्वेटर, अब गर्मियों में आप वो नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको दिखने में ना सिर्फ अच्छी लगती है बल्कि वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि जब आप जैकेट पहनते हैं मिसाल के तौर पे, यू फील कंफर्टेबल और आपके पोस्चर में ना एकदम ग्रेस ऐड हो जाती है, आप बड़े एलिगेंट लगते हैं। तो उसी चीज को गर्मियों में अगर आप, और हमारा मोस्टली मौसम गर्म होता है, सो उसके अंदर शिफॉन्स, जॉर्जेट्स और लाइट वेट फैब्रिक्स के अंदर आपके जो थे ये गाउन्स जो है ये इन होना शुरू हो गए। पहले शुरू में लोग नहीं पहनते थे, कहते नाइट सूट की लुक आना शुरू हो जाती है, अवॉइड करते थे, लेकिन अब ये है कि डिजाइनर्स ने चूंकि उसमें इतनी डिटेल ऐड करना शुरू कर दिया कि वो अब बेसिकली एक एक्सेसरी का रोल नहीं प्ले कर रहे बल्कि बजाते खुद एक पूरा गार्मेंट बन चुके हैं। सो उसमें ये है कि आपके पास अब ऑप्शन है कि आप किस तरीके से पहनना चाहते हैं। बिल्कुल सही। और जैसे अभी आपने खुद मेंशन किया कि बेल्ट सबसे आसान ऑप्शन होती है, आप अपने हिसाब से अपनी फिगर के मुताबिक उसको रैप किया, नॉट लगा ली, आपने बेल्ट पहन ली। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें इतने यू नो लटकती हुई चीजें और वो उड़ते हुई चीजें नहीं चाहिए, दे गो कैरी करना मुश्किल हो जाता है, उस तरह से नहीं रहता है कि अगर आपने काम करना है वहाँ पे आपके बटन्स ऐड हो जाते हैं, आप बिल्कुल सिंपल 2-3 बटन्स जो है उनको आप आपस में अटैच कर लें, पूरी कमीज की लुक नहीं आती और आप उसको इजीली जो है वो कैरी कर सकते हैं। समटाइम्स आपको कुछ भी जरूरत नहीं, यू डोंट नीड बेल्ट, यू डोंट नीड बटन्स, आपने कोई अच्छी खूबसूरत कमीज नीचे पहनी हुई, आप उसके ऊपर सिंपली उसको पहन ले, तो आपको किसी भी किस्म की उसको टाई अप करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, समर सीजन में अगर आपने लॉन या कॉटन का कोई सूट बनाना है और आप उसके भी जो केप्स बना रहे हैं या गाउन बना रहे हैं, वो कैसे लगते हैं? देखिए, दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप एक बात जरूर ज़हन में रखें कि लॉन जो है वो फ्लोई फैब्रिक नहीं है, सो उसका जो भी आप केप या गाउन बनाएंगे वो थोड़ा स्टिफ रहेगा, वो आपको जैकेट या शर्ट की तरह की लुक देगा। और अगर आप बैठेंगे तो उस पे सिलवटें पड़ेंगी। सो इट डजंट मीन कि आप ना बनाएं, आप बना सकते हैं। अमूमन खवातीन शुरू में अपने जो दुपट्टे होते थे उनको कन्वर्ट कर लेती थी इनटू अ गाउन, तो आप इजीली कैरी कर सकते हैं। प्रैक्टिकली आप एक बस चीज का ध्यान रखें कि अगर आपने गाउन पहनना है लॉन की शर्ट पे,
नीचे वाली कमीज को फिर स्लीवलेस बनाएं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है कि आपने नीचे भी स्लीव पहनी है और उसके ऊपर भी स्लीव्स वाला गाउन पहन लिया है तो वो बहुत इम्प्रैक्टिकल। अच्छा, और अगर आपकी स्लीव्स अलग अलग हैं, चाहे वो आप शिफॉन के लिए भी ले रहे हो, तो मैं चूंकि खुद कैरी करती हूँ और मैं पहनती हूँ, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि वो आपको बहुत अनकंफर्टेबल कर देता है। नीचे वाली बाजू कहीं और घूम रही होती है, ऊपर वाली बाजू कहीं और जा रही होती है, फिर उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें सिंपल हल है, या तो आप नीचे वाली शर्ट को स्लीवलेस कर लें, या आप अपना जो गाउन है उसको स्लीवलेस कर लें और शर्ट की बाजू दिखा दें। आइदर वेज जो भी आपको सूट कर रहा है। अमूमन उसमें एक ये टिप मैं जरूर दूंगा कि कैजुअल अगर आप फैब्रिकेशन इस्तेमाल करें, लॉन हो गया, कॉटन हो गया, या कैजुअल वेयर के लिए आपने कुछ चीजें यूज करनी है, उसमें आप अपनी जो आपका श्रग है या जो आपका गाउन है उसकी स्लीव उसको स्लीवलेस ना करें, क्योंकि वो बड़ी कोटी वाली लुक आ जाएगी। छोटे पुराने जमाने में पहनाते थे स्वेटर टाइप, वो अच्छी नहीं लगेगी। उसमें गो के आप निचली वाली टॉप अपनी स्लीवलेस पहन लें, बट अपना जो आपके ऊपर गाउन आ रहा है, रोब आ रहा है, वो स्लीव के साथ रखें। बिल्कुल सही। और अगर फॉर्मल ओकेजन, फॉर एग्जाम्पल शादी ब्याह का फंक्शन है या कोई भी डिनर पार्टीज हैं और आप शिफॉन्स और जॉर्जेट्स में जा रहे हैं, वहाँ पे यू कैन डू दैट कि आप अपनी निचली जो शर्ट है उसके बाजू खूबसूरत बनाएं और जो गाउन ऊपर पहने में भी वो एम्बेलिश फैब्रिक का हो, हल्का सा कढ़ाई हुई हुई या कोई सीक्वेंस हो, उसको आप स्लीवलेस बना सकते हैं। अच्छा फैसल, ये भी बहुत ज्यादा इन है कि जो जितने प्रिंट्स आए हुए हैं मार्केट में, अब शिफॉन के प्रिंट्स आए हुए हैं, तो उसको लोग नॉर्मल शर्ट बनाने के बजाय उसको श्रग या गाउन सिलवा लेते हैं और नीचे वाली प्लेन शर्ट रखवाते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है। फिर लोग क्या करते हैं कि नीचे वाला प्रिंट पहन के ऊपर प्लेन पहन लेते हैं, तो वो नीचे से प्रिंट जो है वो कहीं कहीं से नजर आ रहा होता है, वो दोनों चीजें जो है वो काफी। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें जैसा अभी आपने मेंशन किया, दोनों प्रिंट्स नहीं होने चाहिए। इतना भी वो आप एक्साइटेड ना होएं, कहीं कलर कट, कहीं डिजाइन कट होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। आपका गाउन हो या आपकी शर्ट हो, बेस। अब मोस्टली लोग गाउन इसलिए भी प्रेफर कर रहे हैं, स्पेशली यंग लड़कियां जो हैं, वो प्रैक्टिकल पर्पज है, आप एक से ज्यादा मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने एक फॉर एग्जाम्पल प्रिंटेड फैब्रिक आपने लिया हुआ है, प्रिंट्स जो होते हैं वो आपको याद रह जाते हैं, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कहते मैं दोबारा सूट रिपीट नहीं करना चाह रही, अगर आपने सेम किसी जगह पे जाना है, सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप फ्रंट ओपन गाउन बना लेते हैं, आप नीचे डिफरेंट टॉप्स पहन सकते हैं, टॉप, तो वो जो गाउन के प्रिंट हैं वो खुद ब खुद लुक डिफरेंट हो जाती है उसकी। बिल्कुल सही। हम यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मोटे लोग काफी कॉन्शियस होते हैं और उनको लगता है कि अगर हम लेयर्स पहन लेंगे कपड़ों के तो शायद हम और मोटे लगेंगे, इस पर भी बात होगी। और फिर कुछ लोग गाउन नहीं बनाते लेकिन ओपन फ्रंट ओपन शर्ट्स पहनना शुरू कर देते हैं, जो गाउन के लुक में भी होते हैं और आपको बड़ा मजेदार एक वो फील भी आ रही होती है। जी हाँ, मैं बिल्कुल अपनी तरफ भी पॉइंट आउट कर रही हूँ, मैंने भी ओपन शर्ट पहनी है। इस पर भी फैसल की फैशन ओपिनियन क्या है जरूर लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद है, गाउन्स एंड रोब्स की हम बात कर रहे हैं। फैसल, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे मैंने लिंक लिया कि मोटे लोगों को अक्सर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अगर वो और ज्यादा लेयर्स पहन लेंगे जिसमें शर्ट भी होगी, गाउन भी होगा, और अगर कुछ लोगों ने उसके ऊपर दुपट्टा भी कैरी करना होता है, तो शायद वो बहुत ज्यादा बल्की लगेंगे। उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या उन्हें गाउन्स पहनने चाहिए? उनको बिल्कुल पहनने चाहिए। उससे अब इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है कि अपने गाउन का जो कट वो फॉलो करना चाहते हैं उस पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी फिगर जो है वो ऑड नहीं लगेगी। जितने भी बल्की अफराद हैं या एक्स्ट्रा कर्वेशियस फिगर्स जिन खवातीन की हैं, वो ड्रेप्ड जो फॉर्म्स हैं, ड्रेप सिल्वेट जो है उसको फॉलो जरूर करें। ड्रेप सिल्वेट बेसिकली वो हो जाती है जिसपे कपड़ा ज्यादा लगता है और आपकी जो रोब का स्टाइल होता है वो सीधा नहीं होता, फ्री होता है। आप बैंड ना पहने, आप फिटेड गाउन्स ना पहने, बिल्कुल। और बिल्कुल स्ट्रेट जो ए लाइन जैकेट टाइप होते हैं ना, उनको अवॉइड करें, क्योंकि उसमें आप फंसे हुए फील होते हैं। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा यूज करेंगे, जितनी वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेंगे, अमूमन कंफ्यूजन ये होती है कि वॉल्यूम ज्यादा करने से हम ज्यादा मोटे ना लगें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बिकॉज जो वॉल्यूम होती है वो आपकी बॉडी पे फॉल कर जाती है, उससे खड़े नहीं रहना। तो जब वो फॉल करते हैं, तो जब आप चलकर आ रहे हो तो या कहीं बैठे हो तो ऐसा लगता है कपड़े का वॉल्यूम है वो आपका जो वॉल्यूम है, जो आप अगर आप आपका फिगर है या आप आपकी बॉडी थोड़ी मोटापे की तरफ आती है तो वो उसको कवर कर लेता है। और उसमें उसमें आपके ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। आप अपनी स्लीव्स को ड्रेपिंग में ले जा सकते हैं, आप काउल नेक जो हमने डिस्कस की थी एक बार लास्ट टाइम भी, जो रुमाली नेक होती है आगे से फॉल वाली, उसको ले सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं गाउन्स के अंदर, तो आपकी ऑप्शन बहुत अच्छी है। अच्छा, आइडियली आप अगर कर्वेशियस हैं तो आप जॉर्जेट फॉलो करें, ग्रिप को फॉलो करें, या कोई भी स्ट्रेचेबल जर्सी टाइप फैब्रिक जो है उसको फॉलो करें, क्योंकि जितना फैब्रिक में फॉल और स्ट्रेच ज्यादा होगा
उतना वो ग्रेसफुल लगेगा और उतना ज्यादा उसकी जो ड्रेपिंग एबिलिटी है वो खूबसूरती से आएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, ये कट और ये डिजाइन जो है वो एक ऐसा डिजाइन है जिसको आप जीन्स के साथ भी कैरी कर सकते हो, आप ईस्टर्न शलवार कमीज के साथ भी कैरी कर सकते हो, गाउन आप शलवार कमीज के साथ सिंपल बना सकते हो, जंप सूट के साथ भी बना सकते हो। ये सी आजकल बड़ा अच्छा ट्रेंड निकला हुआ है जंप सूट के साथ, अक्सर लोग ये पहन रहे हैं। इसका रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये कि जंप सूट हर कोई कैरी नहीं कर सकता। या तो कि बिल्कुल स्किनी फिगर हो तो जंप सूट आपको सूट कर रहा होता है, जैसे आप तस्वीर में देख रहे होते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि आपकी अगर फिगर परफेक्ट नहीं है तो आप जंप सूट ना पहने। अमूमन हमारी सब कॉन्टिनेंट की खवातीन जो है अपने हिप एरिया से काफी कॉन्शियस हो जाते हैं, बिकॉज कपड़े बहुत फिटिंग में अच्छे नहीं लगते। सो जो अगर मैं जंप सूट पहने और जंप सूट पूरा वन पीस में बनता है टॉप एंड बॉटम, तो वहां पे आप अगर एक श्रग की तरह का रोब उसके ऊपर पहन लेंगे तो वो आपके जो प्रॉब्लम उनको कवर कर देगा, आपको कंफर्ट मिल जाएगी। देखें, दुपट्टा अक्सर लोग कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, तो अगर आप जंप सूट पर दुपट्टा लेके तो बहुत अजीब लगेंगे। बिल्कुल। तो उस पर अगर आप श्रग पहन लेंगे या रोब पहन लेंगे वो आपका दोनों पर्पसेस जो है ना उनको इजीली कैटर कर लेगा और आप इजीली उसको कैरी भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, जो लोग गाउन नहीं बनाते लेकिन कुछ ओपन शर्ट्स बना लेते हैं जो गाउन की तरह की होती है, उस पर क्या करेंगे? अच्छा, उसमें एक चीज का सिर्फ ध्यान रखें, वो ये कि अगर आप ओपन शर्ट बना रहे हैं तो गाउन में तो ये होता है कि आपने नीचे सेकेंड लेयर ऑफ शर्ट पहनी होती है। जब गाउन नुमा शर्ट बनाते हैं तो नीचे सेकेंड लेयर नहीं पहनी होती। सो उसके अंदर अगर आपने फ्रंट में बटन्स लगाए हैं तो वो कम अज कम मिड थाई तक होने चाहिए। अक्सर खवातीन वो खड़े होकर तो बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, लेकिन जब बैठते हैं तो वो अनकंफर्टेबल, तो वो बहुत दिखने सामने वाले के लिए बहुत वियर्ड लग रहा होता है और वो क्या कहेंगे हम उसको, नामुनासिब सी शक्ल बन जाती है। सो इट्स बेटर कि आप बटन्स कम अज कम या उसके आगे आपने जो भी क्लोजर ऐड किया हुआ है, हुक्स हैं, जो भी है, वो कम अज कम मिड थाई तक हो ताकि जब आप बैठे तो वो आपको अच्छी कवरेज प्रोवाइड करें और ग्रेसफुल भी। बिल्कुल सही। अच्छा, एक तरफ तो हम खवातीन का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि गाउन्स और रोब्स तो खवातीन के लिए, तो मैंने सोचा कि हमारे जो मर्द हजरात हैं वो नाराज ना हो जाएं, तो एक साइड टॉपिक हमारा आज कफलिंग्स के ऊपर भी है मर्दों के, तो उस हवाले से भी मैं जरा फैशन को डिस्कस करना चाहूंगी कि क्या इन है क्या आउट है। बिल्कुल, कफलिंग्स हम बचपन में अपने वालदैन को देखते थे, कभी अब्बू को या अंकल को पहने हुए, शादियां होती थी कहीं, कभी कभार। उसकी वजह ये थी कि और उस ज़माने में कफलिंग्स जो थे वो एक बड़ा प्रेस्टीजियस एक्सेसरी काउंट होती थी, फॉर्मल वेयर के साथ ज़्यादातर यूज़ होती थी क्योंकि कफलिंग्स के अंदर कोई ना कोई सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते थे या गोल्ड या सिल्वर की मेटालिक क्रोम प्लेटिंग हुई होती थी। लेकिन अब विद द चेंजिंग टाइम्स अब उसमें ये हो गया कि आप ज़रूरी नहीं कि आपने फॉर्मल वेयर की शर्ट पहनी तो ही आप कफलिंग पहनेंगे, अब आपके पास बड़े अच्छे स्टड्स आ गए हुए, मेटालिक स्टड्स आ गए हुए जो आप कैजुअल शर्ट के अंदर भी बड़े आराम से पहन सकते हैं। लेकिन कफलिंग्स में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो आपको पता होना चाहिए कफ होता कैसा है। हर कफ के ऊपर कफलिंग नहीं पहना जा सकता, आपका डबल कफ होता है जो फोल्ड होता है और उसके अंदर काज होते हैं जिसके अंदर से आप कफलिंग को गुजार के लॉक करते हैं। यानी वो लोग जिनको लगता है कि बटन नॉर्मल वाली ये वाली शर्ट आपने पहनी है और कि मैंने अब इस पर कफलिंग भी पहनना है, तो फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमेशा उसके लिए आप वो वाली शर्ट लें या बनवाएं अपने टेलर से, तो आपने बताना होगा उसको कि इसके अंदर मुझे वो वाले काज करके दो जो कफलिंग्स के लिए। अच्छा, यूज़ हो रहे अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज कफलिंग बंद नहीं हो सकेगा उसके अंदर। अच्छा, अब तो कैजुअल शर्ट्स के साथ भी, इवन चेक शर्ट्स के साथ भी लोग, मैं जैसे मुमताज में भी देख रही थी, एक तरफ तो गाउन्स हम दिखा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ हम मर्दों के कफलिंग्स भी दिखा रहे हैं, कि प्रिंटेड शर्ट्स और जो चेक शर्ट्स हैं उसके साथ भी आप कफलिंग्स पहन रहे हैं, वो आप इजीली कर सकते हैं। वही जब मैं कह रहा था कि अब कैजुअल वेयर उसके रीजन क्या हो गया, इतने कितने फॉर्मल ओकेजन होते हैं जहाँ पे लड़के बेचारों को मौका मिलता है तैयार होने का, जो हमारे थोड़े शादी ब्याह के फंक्शंस होते हैं उस पे वो आ जाते हैं ईस्टर्न वेयर के अंदर, कुर्ता शेरवानियां वेस्ट कोट, जो ऑफिसेज के फंक्शंस होते हैं उनके अंदर आपको व्हाइट शर्ट ही पहननी होती है फॉर्मल वेयर। सो रियल लाइफ में डे टू डे बेसिस पर आपने हमेशा कैजुअल शर्ट्स, चेक प्रिंट्स, स्ट्राइप्ड प्रिंट्स या छोटे पॉलका डॉट्स पहने हुए होते हैं, तो एंड यू वॉन्ट कि उसके ऊपर आप कफलिंग भी ऐड करें तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखें कि स्टोन्स वाले जो कफलिंग्स होते हैं जिन पे शाइनी सेमी प्रेशियस स्टोन्स लगे होते हैं वो कैजुअल वेयर के साथ ना पहने। कैजुअल वेयर के साथ अगर आप कफलिंग्स यूज करना चाहते हैं, गो फॉर मेटालिक स्टड्स, पंक स्टाइल्स जो आपकी होती हैं, रफ मेटल के एजेस बने हुए हैं, आजकल बड़े इंटरेस्टिंग स्कल शेप के आए हुए हैं, ठीक है। आजकल तो नामों वाले कफलिंग्स भी बहुत ज्यादा, बिल्कुल नामों वाले कफलिंग्स जो है वो लिखा हुआ होता है, नाम पुराने जमाने से शायर उसको बड़ा अच्छा यूज करते, कभी रुमालों पे कढ़ाइयां होती थी, अब आप कफलिंग दे दें अपने किसी भी चाहने वाले को गिफ्ट के तौर पे, भाई बच्चों को गिफ्ट दे दें, स्पेशल और पर्सनलाइज्ड फील होता है वो, थोड़ा एक्सक्लूसिव लगता है, जो हमेशा से इवन ब्रेसलेट्स बहुत इन थे, अब नेकलेस बहुत ज्यादा इन है। सो कफलिंग्स के ऊपर नाम और वो एकदम ना कस्टमाइज्ड लुक आ जाती है और एक
एक्सक्लूसिव लुक आ जाती है, एक्सक्लूसिवनेस आ जाती है उसके अंदर, वो बड़ा जबरदस्त बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, प्लेन शर्ट्स के ऊपर अगर आपने कफलिंग्स पहनने हो तो कैसे होने चाहिए? यस, गो फॉर द मेटालिक शेड्स, रंग बिरंगे मत पहने, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ब्लैक, जो क्लासिक कलर्स हैं, शाइनी मत पहने, गो फॉर मैट फिनिशेस। कई लोगों को बहुत चमकते दमकते भी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो फिर होता क्या है, वो ज्वेलरी लगने लग जाती है। आपने स्टोन भी अगर उसमें ऐड किया हुआ है या क्रिस्टल ऐड किया हुआ है, तो जिसकी क्रोम प्लेटिंग है, जो फिनिशिंग है, उसको मैट में रखें। अच्छा, एक और चीज जो मुझे कभी कभी बड़ी ऑड लगती है, कभी कभी ग्रेसफुल भी लग रही होती है, आई थिंक इट्स हाउ यू कैरी इट, कि बहुत ज्यादा स्टोन्स आ गए हैं कफलिंग्स के ऊपर, बहुत ज्यादा स्टोन्स, वो गर्लिश लुक लगना शुरू हो जाती है। जब आप देखें, आप एक इवन आपने देखा कि आदमियों की जो अंगूठियां होती है, उन जो आदमियों की अंगूठियों के स्टोन्स होते हैं, बिल्कुल मैट होते हैं, ओवल शेप की होती है, दे लुक लाइक स्टोन। लेकिन जब आप उसको नगों वाली लुक दे देंगे, शाइनी बना देंगे, उसमें डायमंडीज वाला एलिमेंट ऐड कर देंगे, कुछ एक लगे, दो लगे, वो फेमिनिन लगेगा। और जैसे आप कह रहे हैं कि वो भरे हुए आजकल आ रहे हैं, उसके अंदर इवन मैंने लास्ट टाइम एक देखे थे, वो रोज गोल्ड पिंक रंग का, उसमें शाइनी स्टोन्स लगे हुए थे, वो आपके रॉकस्टार लुक के लिए बड़े अच्छे कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के लिए, जहां पे आप दूर से नजर आ रहे हैं, बट डे टू डे इट लुक्स वेरी फेमिनिन। और हमेशा की तरह मैं अपनी फीडबैक देती हूँ, और फैसल फिर उस पर या तो कन्फर्मेशन करते हैं या मुझे करेक्ट कर देते हैं। कुछ कलर्स लड़कियों के लिए होते हैं नो मैटर व्हाट, जैसे पिंक, पिंक कलर आप मर्दों के लिए उस तरह से अगर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे कि एक्सेसरीज में भी आ रहा है, शर्ट में भी आ रहा है, आपकी पैंट में भी आ रहा है, या आपके बूट्स में नजर आ रहा है, तो वो समहाउ द अदर लड़कियों वाली फील देगा ही। मैं सही कह रही हूं? अब उसके अंदर बताऊं रीजन क्या है, बिकॉज हम लोगों की जो कंडीशनिंग हुई हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं पिंक एंड ब्लू, पिंक एंड ब्लू अगेन। अब इसका रीजन बहुत सिंपल सा है, पिंक इज अ वेरी सॉफ्ट लाइट कलर, हमारी नेचर में कौन कौन सी चीजें पिंक है, फ्लावर्स हो गए, डेलिकेट है, डेलिकेट तो वाइब्स आपको दे रहे हैं। ओके, तो हम डेलिकेट हैं, और ब्लू जरा रफ टफ किस्म का, वो उसको उससे देखते हैं तो लड़के जो हैं वो बड़े रफ टफ होते हैं। वेल, थैंक यू सो मच फैसल, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इसी के साथ नाजन, आपसे इजाजत चाहूंगी, इंशाल्लाह अब आपसे मंडे को मुलाकात होगी, अपना वीकेंड खूब इंजॉय कीजिएगा, आई होप मौसम भी अच्छा रहे, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।